आज हम लोग बात करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ बैलेनोग्लासस। बैलेनोग्लासस का रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात आज हम लोगों को करना है और यह भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसी सेकेंड ईयर जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है कार्डेटा, उसमें जो सब फाइलम हेमी कार्डेटा, उसमें हम लोगों को एक जीनस दिया गया पढ़ने के लिए बैलेनोग्लासस। और बैलेनोग्लासस का रिस्पायरेटरी सिस्टम ये जो है कई बार पूछा गया है, तो आज हम लोग बात करेंगे उसी बैलेनोग्लासस के रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। जब भी हम लोग बैलेनोग्लासस का रिस्पायरेटरी सिस्टम जानने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले ये बताना है कि बैलेनोग्लासस मैराइन वाटर एनिमल है। कौन सा एनिमल है भाई? मैराइन वाटर। और मैराइन वाटर एनिमल है तो आपको हमको सबको मालूम है कि जितने भी हायर इक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है उसका नाम है गिल स्लिट्स, यानी गिल स्लिट्स के द्वारा ही जो है रिस्पायरेशन की क्रिया बैलेनोग्लासस में भी होगी, क्योंकि यह एक हायर क्या है एक्वेटिक एनिमल है जो मैराइन वाटर में पाया जाता है। तो बड़ी आसानी से हम लोग जो है इसको डिस्क्राइब कर सकेंगे। और एक बार हमेशा याद रखिए कि जो बैलेनोग्लासस का जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है उसका नाम है गिल स्लिट्स, और गिल स्लिट्स के द्वारा कैसे रिस्पायरेशन की क्रिया कंप्लीट होती है बैलेनोग्लासस में, उस बात को आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने यही किया कि जो बैलेनोग्लासस है, बैलेनोग्लासस के रिस्पायरेटरी सिस्टम या जो है दो भागों से मिलकर बना है। पहला है ब्रांचियल फेरिंक्स और दूसरा है ब्रांचियल सैक। हमने क्या कहा कि जो बैलेनोग्लासस का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है ये दो भागों से मिलकर बना है। पहला है ब्रांचियल फेरिंक्स और दूसरा है ब्रांचियल सैक। जब हम ब्रांचियल फेरिंक्स की बात करेंगे तो ये बताना है कि जो ब्रांचियल फेरिंक्स है यह किसको धारण किए होते हैं? गिल स्लिट्स को। किसको धारण किए होते हैं? गिल स्लिट्स। कौन? ब्रांचियल जो फेरिंक्स है यह गिल स्लिट्स को धारण किए होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यही गिल स्लिट्स बैलेनोग्लासस का कौन सा ऑर्गन है? रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, श्वसन अंग है। अब जो है हमने क्या देखा कि ये जो ब्रांचियल फेरिंक्स वाला पोर्शन है उसमें ये जो गिल स्लिट्स है यह एक रो में क्या होते हैं अरेंज, लेकिन यह जो है गिल स्लिट्स तो यू शेप का होता है, लेकिन प्राइमरी डेवलपमेंट के दौरान यह गिल स्लिट्स कैसा है? यह ओवल शेप का है, लेकिन जब धीरे धीरे गिल स्लिट्स में क्या होने लगा? प्रोजेक्शन। और तब जाके गिल स्लिट्स किस शेप की हो गई? यू शेप की हो गई। तो हम लोगों को यही बताना है कि गिल स्लिट्स यू शेप का होता है, लेकिन प्राइमरी स्टेज में हम देखेंगे कि यह जो गिल स्लिट्स है यह कैसा है भाई, यह जो है ओवल शेप का है, लेकिन जब इसके फेरेंजियल वाल में क्या होता है? प्रोजेक्शन। तब जाके यह गिल स्लिट्स कैसा हो जाता है? यू शेप का हो जाता है। और हमने क्या देखा कि यह जो गिल स्लिट्स का ये जो स्पेस है या जो गिल स्लिट्स में या जो यू शेप का गिल स्लिट्स बना है, तो ये जो स्पेस है इसको हम लोग बोलेंगे टंग उबार। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आया है टंग उबार, तो आप बताइएगा कि यह जो गिल स्लिट्स में जो यू शेप का प्रोजेक्शन हुआ है तो यही जो स्पेस है उसी को बोलेंगे टंग उबार। और यह टंग उबार हाईली क्या है? वैस्कुलर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि टंग उबार जो है यह हाईली वैस्कुलर है, और हाईली वैस्कुलर का मतलब कि इस वाले पोर्शन में ये जो टंग उबार है इसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, और यही जो है इसलिए कहा जाता है कि गैसियस जो एक्सचेंजिंग होती है, अभी मैकेनिज्म में मैं बताऊंगा, जो गैसियस एक्सचेंजिंग होती है वो कहां से होगा? टंग उबार से ही होता है। अब ये बताना है, आप देख रहे हैं कि जो गिल स्लिट्स है
ये सपोर्टेड है किसके द्वारा, स्केल्टन रॉड्स के द्वारा। और एक नंबर का क्वेश्चन आता है गिल सेप्टम। अगर कोई हमसे पूछ दे ये भाई ये गिल सेप्टम क्या होता है, तो हम लोग यही बताएंगे कि दो गिल स्लिट्स के बीच का, मान लो एक यहाँ गिल स्लिट्स और भी आगे गिल स्लिट्स हो सकती है, तो दो गिल स्लिट्स के बीच का जो पोर्शन होता है किसका, फायरेंजियल वाल का। दो गिल स्लिट्स के बीच का जो पोर्शन है किसका, फायरेंजियल वाल का, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, गिल सेप्टम। क्या बोलेंगे, गिल सेप्टम। तो इस तरीके से हम ब्रांचियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स को बता सकेंगे जो किसको धारण किए हुए हैं, गिल स्लिट्स को। जब इतनी बात आप बता देंगे तो एक बार और सुनिए, ब्रांचियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स किसको धारण किए हुए हैं, गिल स्लिट्स को। प्राइमरी स्टेज में गिल स्लिट्स किस शेप का है, ओवल शेप का। धीरे धीरे फेरिंजियल वाल में जब क्या हुआ, प्रोजेक्शन, एक गिल स्लिट्स किस शेप का हो गया, यू शेप का, और तब जाके किसका निर्माण हो गया, टंगूवर। अगर आप कहेंगे इसमें, तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि इसमें टंगूवर का फॉर्मेशन हुआ, नहीं, लेकिन जब प्रोजेक्शन हो रहा है तब जाके टंगूवर का क्या होता है, फॉर्मेशन। और यह हाईली वैस्कुलर होता है, क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ब्लड वेसल्स पाई जाती है। प्रत्येक गिल स्लिट्स सपोर्टेड है स्केलेटन रॉड्स के द्वारा। टंगूवर हाईली वैस्कुलर है क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स है। यही गैसेस सेमी में क्या करेंगे है? अब दो गिल स्लिट्स के बीच का जो पोर्शन है फेरिंजियल वाल का, उसको हम लोग बोलेंगे गिल सेप्टम। अब अगला हेडिंग होगा ब्रांचियल सैक। ब्रांचियल सैक में क्या बताना है, प्रत्येक गिल स्लिट्स, प्रत्येक जो गिल स्लिट्स है या ओपन होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, और उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, ब्रांचियल सैक। और ब्रांचियल सैक, प्रत्येक ब्रांचियल सैक एक पोर के द्वारा बाहर ओपन होगा, जिसको बोलेंगे गिल पोर। क्या बोलेंगे, गिल पोर। एक बार और सुनिए, प्रत्येक जो गिल स्लिट्स है वह जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती है, और उसी को हम लोग बोलेंगे ब्रांचियल सैक। और यह ब्रांचियल सैक जो है यह एक पोर के द्वारा बाहर ओपन होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे गिल पोर। क्या बोलेंगे भाई, गिल पोर। और ये बताना है कि गिल पोर के द्वारा ही वाटर पुनः जो है बॉडी से बाहर निकलता है, और गिल पोर का नंबर या गिल स्लिट्स का नंबर बैलेनोग्लॉसस के एज के अकॉर्डिंग इंक्रीज करता है। तो इतनी हम लोग बात बता देंगे, तब हमारा आता है मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन की क्रिया कैसे होगी। जब ये बात हम लोगों को बताना है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यह जो गिल स्लिट्स है इस पर क्या लगी हुई है, लेटरल सीलिया। हम समझा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ जो है रिस्पायरेशन बैलेनोग्लॉसस का। तो ये जो गिल स्लिट्स है इस पर जो है क्या लगी हुई है, लेटरल सीलिया। ये क्या है सब भाई, लेटरल सीलिया। और जब लेटरल सीलिया वाइब्रेट करती है तो क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर करंट। और जब वाटर करंट प्रोड्यूस होगा तो वाटर जो है माउथ से होते हुए जो है अब बैलेनोग्लॉसस की बॉडी में इंटर करेगा। और हमको मालूम है वाटर में क्या डिजॉल्व है भाई, ऑक्सीजन। क्या डिजॉल्व है, ऑक्सीजन। अब देखिए हमने क्या कहा, जब भी हम मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन को समझाएंगे इसमें यही बताना है कि यह जो सिलिया है इसके जो लेटरल जो सिलिया इसके लेटरल गिल स्लिट्स के लेटरल वॉल पे क्या है, सिलिया। और इन सिलिया को हम लोग बोलते हैं लेटरल सिलिया। और यही सिलिया जब क्या करती है, वाइब्रेट, तो क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर करंट, जिसके द्वारा वाटर माउथ से होते हुए ये माउथ के माध्यम से वाटर इंटर करेगा बक्कल कैविटी में। और जब बक्कल कैविटी में इंटर करेगा तो बक्कल कैविटी से कहां जाएगा, फेरिंक्स। और फिर वही वाटर पास करेगा किसके ऊपर से, किसके ऊपर से पास करेगा, गिल स्लिट्स। और जब वाटर गिल स्लिट्स के ऊपर से पास करेगा तो हमको मालूम है वाटर में क्या डिजॉल्व है, ऑक्सीजन। और जब गिल स्लिट्स के ऊपर से वाटर पास करेगा तो ये जो गिल स्लिट्स है या जो है जो टंगूवर है या हाईली वैस्कुलर है, और वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा या टंगूवर में जो रक्त वाहिनियां हैं ब्लड वेसल्स हैं वो ऑक्सीजन को क्या करेंगी, अब्सॉर्ब कर लेंगी।
और जो है और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो ब्लड वेसल से आ जाएगा वाटर में, तो इसलिए हम कहेंगे कि टंगूबार वाला जो पोर्शन है यहीं पर गैसेस एक्सचेंजिंग की प्रोसेस संपन्न होती है। अब देखिए आप लोग क्या समझ रहे हैं कि यह जो टंगूबार है, टंगूबार कहीं कहीं गैसेस एक्सचेंजिंग में हेल्प कर रहा, तो बताइए वाटर में, वाटर जब इसके ऊपर से पास किया गैसेस के ऊपर से, तो गैसेस क्या की जो है वाटर में डीजल और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ली, और जो ब्लड में ब्लड वेसल्स में भाई ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो गया कहां पे, वाटर में। फिर जो है वह वाटर के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आएगा, ब्रांचियल सैक में। फिर वह कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ ब्रांचियल सैक से होते हुए गिल पोर के द्वारा बॉडी से बाहर। तो इस तरीके से जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब भी कर लिया गया, और जो ब्लड वेसल्स में, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको वाटर में रिलीज किया गया। फिर वो वाटर जो है कहाँ आ गया, ब्रांचियल सैक में, जिसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर वह जो है वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गिल पोर के द्वारा बॉडी से बाहर। तो इस तरीके से हम जो है बलेनोग्लासस का रिस्पायरेटरी सिस्टम बता देंगे। एक बार आप देखिए मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन कैसे होगा, मैंने आपको क्या बताया, या जो ग्लिसरिड्स का जो है लेटरल साइड है यहाँ पे सिलिया लगी हुई है, इनको हम लेटरल सिलिया बोलेंगे, यही वाइब्रेट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर करंट, तब जाके वाटर माउथ के माध्यम से बक्कल कैविटी में आएगा, फिर बक्कल कैविटी से फरिंज, और फिर वही वाटर ग्लिसरिड्स के ऊपर से पास करेगा, और जब पास करेगा तो ग्लिसरिड्स का जो टंगूबार वाला पोर्शन है या हाईली वैस्कुलर है, तो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा उनको यहीं से पिकअप कर लिया जाएगा, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होगा वह वाटर में रिलीज हो जाएगा। फिर वह कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आएगा, वाटर के साथ ब्रांचियल सैक में। फिर ब्रांचियल सैक से कहाँ आएगा, भाई ब्रांचियल सैक से वह जो वाटर है वह वाटर आ जाएगा जो है ब्रांचियल सैक में वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, और जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ ब्रांचियल सैक में आ गया तो फिर ब्रांचियल सैक से वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गिल पोर के द्वारा बॉडी से बाहर। तो इस ढंग से हम बड़ी आसानी से रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ बलेनोग्लासस को समझा सकेंगे, और अगर एक क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में तो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।